जनता देगी किसका साथ, अब की सत्ता किसके हाथ, नीति पुरानी या नए विचार, जीतेगा आखिर कौन बिहार। नमस्कार, मैं हूँ दरक्षा मुमताज और आप देख रहे हैं द जनता। बिहार में चुनावी घमासान जारी है। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित करते ही कोरोना महामारी के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी कर दिए। गौरतलब है कि सभी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए 28 अक्टूबर दिन बुधवार को बिहार विधानसभा के 71 सीटों पर पहले चरण के मतदान कराए गए हैं। मतदान केंद्रों पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन करने का आदेश था। इसके साथ ही सभी मतदाताओं के हाथ सैनिटाइज किए जा रहे थे और उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा था। सभी लोगों को मास्क लगाना भी अनिवार्य था। बिहार के चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड जैसी पार्टियां मुख्य रूप से आमने सामने हैं। बात अगर बिहार की सत्ता संभालने की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से सुशील मोदी, राष्ट्रीय जनता दल से तेजस्वी यादव और जनता दल यूनाइटेड से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। प्रथम चरण के चुनाव में जहां बिहार के विधानसभा सीटों पर शाम के 5 बजे तक वोटिंग हुई, वहीं जिला जमुई में शाम के 7 बजे तक मतदान कराए गए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस बात की जानकारी दी कि पहले चरण के चुनाव में केवल 52.24% ही मतदान हुए हैं। आइए एक नजर डालते हैं बिहार के सभी विधानसभा सीटों पर हुए मतदान प्रतिशत पर। भागलपुर 54.20%, बांका 59.57%, मुंगेर 47.36%, लखीसराय 55.44%, शेखपुरा 55.96%, पटना 52.51%, भोजपुर 48.29%, बक्सर 54.07%, कैमूर 56.20%, रोहतास 49.59%, अरवल 53.85%, जहानाबाद 53.93%, औरंगाबाद 52.85%, गया 57.05%, नवादा 52.34% और जमुई 57.41%, और इनका कुल हुआ 53.54%। कोरोना महामारी के बीच चुनाव कराना एक चुनौतीपूर्ण निर्णय था, जिसका असर बिहार चुनाव के पहले चरण में साफ देखने को मिल रहा है। अब देखना ये है कि आगे के दो चरणों में स्थिति क्या रहती है। आगे की खबर जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें द जनता।